कानपुर के श्रम विभाग कार्यालय में एक अहम बैठक के दौरान श्रम विभाग के अध्यक्ष एवं दर्जा प्राप्त मंत्री सुनील भराला ने किया अहम मुद्दों पर आईपीएन संवाददाता से बातचीत। जी हां, आपको बता दें, दैनिक उजाला टाइम्स अखबार के बढ़ते कदम और इंडियन प्राइम न्यूज टीवी चैनल को निष्पक्ष पत्रकारिता और सच्चाई दिखाने के लिए राज्य मंत्री श्रम विभाग उत्तर प्रदेश शासन सुनील भराला ने संवाददाता और चैनल के निर्देशक महोदय को बहुत बहुत बधाई दी। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए मुकेश यादव की रिपोर्ट। कोई भी कार्य सरकार के द्वारा ऐसा कुछ नहीं हो रहा है सुनिश्चित, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? विरोधी दल के जो लोग युवाओं को भ्रामक प्रचार करके और युवाओं को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, उन विरोधी दल के लोगों को मैं कहना चाहूँगा, बताना भी चाहूँगा कि आज का जो युवा है वो ऑनलाइन है। अब वो पत्र के चक्कर में और चिट्ठी के चक्कर में नहीं रहता है, वो जब स्कीम चलती है और रोजगार मिलता है तो वो सब ऑनलाइन पर देख लेता है। इसीलिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, हमारे योगी जी के नेतृत्व में 3.5 लाख युवाओं को अपने 3.5 साल की सरकार में हमने रोजगार दिया, युवाओं उनके हमने नौकरी दी। और अभी जो हमारा लाखों युवाओं को जो रोजगार देने का जो लक्ष्य है, हम 2022 से पहले अपनी जो घोषणा हमने 2017 के चुनाव में की थी, हम उस घोषणा को पूरा करेंगे और सभी हम बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे। ये हमारा संकल्प है, हमारे मुख्यमंत्री जी का संकल्प है। इसको हम पूरा करके निश्चित रूप से हम इसको नीचे उतारेंगे और जो विरोधी दल के लोग हैं उनके मुंह पर युवा जो है निश्चित रूप से कड़ा तमाचा लगाएगा, क्योंकि हमने जो कहा और जो वादा किया वो पूरा हम कर रहे हैं। 10 नवंबर को राष्ट्र ऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के जन्म शताब्दी वर्ष का समापन कार्यक्रम है और उनकी जयंती है, तो उसको हम हर्षोल्लास के साथ लखनऊ में मनाएंगे और उसके मुख्य अतिथि के रूप में हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी रहेंगे और भारत सरकार के हमारे 2 केंद्रीय मंत्री आदरणीय संतोष गंगवार जी जो श्रम मंत्री हैं भारत सरकार में, और जो हमारे पर्यटन और संस्कृति के मंत्री हैं आदरणीय श्री प्रहलाद पटेल जी, वो उसमें शामिल रहेंगे। वो भारतीय मजदूर महासंघ के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं और मजदूर नेता देश के बड़े रहे हैं। उनके साथ में हमारे श्रम विभाग के सारे अधिकारीगण और BMS और हमारे अन्य संगठन जो है मजदूर संगठन के सभी लीडर वहाँ रहेंगे, और उसमें श्रमिकों के जो काम करने वाले परिवार हैं कारखानों में वाणिज्य कर दुकानों पर, उनके साथ उनके बच्चों को खेल योजना के निमित्त उस दिन एक स्कीम घोषणा होगी, जो श्रमिक परिवारों के बच्चों को खिलाड़ी बच्चा जो बनेगा, जो जनपद में खेल करके जनपद को पार करेगा उसको हमने 10,000 रुपये के प्रोत्साहन राशि और प्रमाण पत्र अर्जित किए जाएंगे, और साथ में जो अपने प्रदेश में खेलेगा उसको हमने 25,000 रुपये की धनराशि, साथ में जो केंद्र में खेलेगा उसको 50,000 रुपये की धनराशि, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल में जाएगा उसको हमने 1,00,000 रुपये की धनराशि और प्रमाण पत्र समेत परिवार के बच्चे को देंगे। उस खेल योजना का, उस स्कीम का उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा उसका शुभारंभ होगा। उसके साथ में 2 स्कीम हमने जो पहले विगत बोर्ड की बैठक में निर्णय ले लिए गए थे, जो बैठक में हमारे श्रमिक परिवारों को धार्मिक और पर्यटन यात्रा के लिए हम 12,500 रुपये धनराशि दे करके उसको पर्यटन और धार्मिक यात्रा उस परिवार को करा के लाएगा, यानी कि वो श्रवण यात्रा, उस यात्रा का नाम अभी हमने जो है स्वामी विवेकानंद जी के नाम से रखा है, लेकिन उसको यात्रा का नाम हम श्रवण कुमार पर्यटन धन और यात्रा का नाम रख सकते हैं। साथ में महादेवी वर्मा जी के नाम से अपने जो योजना का नाम है उस योजना के नाम से भी हम रखेंगे कि जो उन बच्चों को जो पुस्तक क्रिया वाला जो योजना है उन बच्चों को
मिल जाएगी, उसमें भी हमने रखा गया है। साथ में उस पूरी योजनाओं को लेकर के चर्चा है, भारत सरकार के द्वारा जो संशोधन किए गए हैं, जो 29 श्रमिक यानी कि 1942 के समय के जो कानून थे, उन कानूनों को जो 4 समिष्ट में समायोजित किया गया है, उस पर भी हमारी विस्तार से चर्चा हुई है। साथ में अपने और श्रमिकों के कल्याण के लिए धनराशि कहां से अर्जित होगी, दान अनुदान से लेकर के श्रम कल्याण परिषद, साथ में उसके CSR को लेकर के विषय पर चर्चा हुई है। उसको लेकर के आज जो है उन पर अंतिम रूप दिया गया है। धार्मिक और पर्यटन यात्रा के साथ साथ में जो श्रम कल्याण परिषद की जो 2020 और 21 वाली जो स्मारिका है, उस स्मारिका के रूप में जो हमने दिया है, ये भी हमारा जो इसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा होगा, और पत्रक और सारी जो उनकी योजनाएं हैं उस पर भी हमारी चर्चा विस्तार से हुई है। चुनाव भी हो रहा, चुनाव उसकी क्या चल चल तैयारी चल रही है, किस तरह से आप मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी में सारे उपचुनाव में विजय प्राप्त करके आ रही है, और जनता में जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी की जो लहर है वो तूफान है, और उसके आधार पर भाजपा को बड़ी विजय प्राप्त हो। क्या लग रहा है, कोई पार्टी टक्कर ले सकती है? भाजपा के सामने कोई टक्कर में नहीं है, हमने जनता और विकास, जनता के विकास के लिए कार्य किए हैं, उसके मुद्दे पर के आधार पर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। जैसे कि जनता कह रही बेरोजगारी को लेकर के एक अहम मुद्दा बन रहा है, हाँ, तो उत्तर प्रदेश उसमें नए जो नवयुवक हैं उनमें काफी आक्रोश जैसा देखते हैं।